वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। जय श्री राम बोलने पर मिशनरी स्कूल ने हिंदू छात्रों को दे दी सजा। इसके बाद जब हिंदू संगठनों ने एक्शन लिया तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। जी हाँ, अब गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है कि भैया स्कूल में सिर्फ जय श्री राम बोलने पर स्कूल ने छात्रों को ही सजा दे दी। जो हिंदू छात्र थे उनको सजा दी गई। इसके बाद हिंदू संगठन ने तगड़ा एक्शन लिया। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। गुजरात के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में दो हिंदू छात्रों को जय श्री राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने पर सजा दी गई। ये घटना पिछले हफ्ते वापी जिले के सेंट मैरी स्कूल में हुई है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन के बाद स्कूल ने माफी मांग ली। देश गुजरात की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 9 के दो छात्रों ने स्कूल के कॉरिडोर में जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद उन्हें स्कूल प्रबंधन ने दंडित किया गया, साथ ही लिखित माफी मांगने को मजबूर करते हुए निलंबन करने की धमकी दी गई। हालांकि दो दिन बाद स्कूल ने सजा वापस ले ली और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर माफी मांगी। स्कूल ने एक बयान में कहा है, 11 तारीख को स्कूल के कॉरिडोर में जय श्री राम के नारे लगाने की घटना यहां पर सामने आई थी, जिस पर प्रभारी सर कलेश भगत ने लिखित में माफी पत्र मांग लिया है। सेंट मैरी स्कूल के प्रशासन ने परेशान दोनों नाबालिग बच्चों को माता पिता विश्व हिंदू परिषद की वापी इकाई के उपाध्यक्ष नरेंद्र पायक के पास पहुंचे। विहिप और बजरंग दल के, मतलब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे और स्कूल के संचालन का विरोध किया। इसके बाद सेंट मैरी के प्रिंसिपल सोविया केथिनो और अनुशासन प्रमुख कल्पेश भगत ने दोनों हिंदू बच्चों के माता पिता से माफी मांगी। स्कूल ने माफी मांगते हुए एक बयान में कहा है कि काफी सोच विचार के बाद हमने महसूस किया कि हमने गलत किया था और हमें माफी मांगनी चाहिए। मतलब सवाल वही कि बुर्का पहनकर आ जाए तो किसी को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सिर्फ जय श्री राम बोल दिया जाता है हिंदू छात्रों द्वारा तो उनको सजा दी जाती है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।